हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू राष्ट्र डिफेंस एकेडमी। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एक मॉक टेस्ट इंग्लिश के लिए जो एयर फोर्स एक्स वाई ग्रुप को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, पैसेज हमें मिला है, तो पैसेज को हम लोग एक बार पूरा पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। केयरफुली पैसेज को पढ़ना है एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। ये चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ स्टूडेंट्स गलत करते हैं। पैसेज जिस कॉन्टेक्स्ट में हमें बात बता रहा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है, अपनी तरफ से कोई उसमें आइडिया इन्वॉल्व करके आंसर नहीं करना है। आपको दिया हुआ है, 15-foot ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ द लेट विलियम मैकूल स्टैंड्स इन टेक्सास। एक 15-foot ब्रॉन्ज होता है कांसा, कांसे का एक स्टैचू मूर्ति बना हुआ है जो लेट, लेट का मतलब होता है स्वर्गीय, स्वर्गीय विलियम मैकूल का है, वो टेक्सास में एक बना हुआ है, 15-foot का स्टैचू है। द लेफ्ट एंड ऑफ द स्टैचू पॉइंट्स नॉर्थ टुवर्ड द फ्लाइट पाथ ऑफ द कोलंबिया शटल। और जो स्टैचू है उसका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है, वो एक रास्ते की तरफ इस तरीके से पॉइंट आउट करता है जो कि फ्लाइट पाथ है, उस रास्ता है जहाँ पे कोलंबिया शटल जो स्पेस में गया था जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी, उसका रास्ता बताता है। 7 एस्ट्रॉयड ऑर्बिटिंग बिटवीन मार्स एंड जुपिटर्स हैव बीन नेम्ड आफ्टर द अप्रूव्ड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। 7 एस्ट्रॉयड्स जो मार्स और जुपिटर के बीच में जो नेम किए गए हैं वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उनको नाम दिया, उनके बीच में वो 7 जो एस्ट्रोनॉट्स थे उनके नाम के आधार पे वो रखे गए हैं। इन अ मैसेज ऑफ कॉन्डोलेंस ऑन February 2, 2003 वेलेंटीना टेरेस्कोवा रशियाज फर्स्ट वुमेन कॉस्मोनॉट सेड आई एम डीपली ग्रीव्ड बाय द लॉस ऑफ द क्रू ऑफ कोलंबिया। कि वेलेंटीना टेरेस्कोवा रशिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कोलंबिया के लोग जो अंतरिक्ष यात्री थे, कोलंबिया जो जहाज़ में जिन्होंने ट्रैवल किया उनकी मृत्यु से, और अपनी संवेदना प्रकट करती हूँ उनके दोस्तों के साथ और उनके परिवार वालों के साथ। आई एक्सप्रेस माई सिंसियर कॉन्डोलेंसेज टू द फैमिलीज एंड फ्रेंड्स ऑफ एस्ट्रोनॉट्स। आई बिलीव दैट देयर नेम्स विल रिमेन एज द ब्राइट स्पार्किंग स्टार्स इन द यूनिवर्स एंड विल लाइट द वे फॉर दोज हु विल फॉलो देम ऑन द डिफरेंट रोड्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन। और मैं ऐसा महसूस करता हूँ, जो रशिया की अंतरिक्ष यात्री थी उन्होंने कहा कि वो ऐसा महसूस करती हैं कि उनका नाम एक तरीके से अंतरिक्ष में चमकते हुए तारों की तरह अमर रहेगा और उन लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा स्रोत रहेगा जो इस तरीके की कठिन राह पर आगे बढ़ना चाहते हैं। देर इज ऑल्सो ए पैट्रिशिया हफमैन स्मिथ नासा म्यूजियम इन द टेक्सास दैट लुक्स एट द लीगेसी ऑफ द शटल एंड द एक्सपेरिमेंट्स इट परफॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट मिशन टू द लास्ट। और वहाँ पर एक नासा म्यूजियम है टेक्सास में, वहाँ पे भी जो कोलंबिया स्पेस शटल गया था स्पेस में, अंतरिक्ष में जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने वहाँ पे किए, उन सब की डिटेल्स वहाँ पे दी गई है ताकि लोग वहाँ से काफ़ी जानकारी देख सकें। Eventually it will have simulators and a digital learning center. और अंततः वहाँ पर एक digital learning center भी बनाया गया है। अब हम लोग questions की तरफ बढ़ते हैं। पहला question है, the stretched left hand of the statue of William McCool, कि जो stretched left hand है William McCool का वो क्या बताता है। तो अभी आपको दिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि वो आपको flight का रास्ता बताता है Columbia shuttle का, तो यहाँ पर B option answer बन जाएगा कि points out the flight path of shuttle Columbia. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द पैसेज। पैसेज के अनुसार कौन सी चीज सही है। नेम्स ऑफ 7 क्रू मेंबर्स आर नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ 7 एस्ट्रॉइड्स। ये गलत है कि क्रू मेंबर्स के नाम पे आपने एस्ट्रॉइड्स के नाम रख दिए, ऐसा नहीं है। नेम्स ऑफ द 7 एस्ट्रॉइड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर आर द नेम्स ऑफ 7 क्रू मेंबर्स। ये सही जवाब है, बी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, पैट्रिसिया हफमैन स्मिथ म्यूजियम किससे रिलेट करता है। वहाँ पे जो बची कुछ ही सामान है उससे, तो ऑल दी एक्सपीडिशंस ऑफ शटल परफॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, पैट्रिशिया हफमैन स्मिथ म्यूजियम में टर्न आउट टू बी डिजिटल लर्निंग सेंटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग सेंटर,
नासा एक्सपेक्टेशन सेंटर, नन ऑफ दिस। तो डिजिटल लर्निंग सेंटर लास्ट में यहाँ पे बात भी हुई है, तो ए हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन जो मिला है वो जम्बल्ड सेंटेंसेस का क्वेश्चन मिला है। हमको कुछ पार्ट्स दिए हैं वाक्य के, तो उनको हमको इस तरीके से अरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस यहाँ पे बन जाए। ओके चलिए तो देखते हैं। द क्वेश्चंस विद ऑनेस्टी, आई एम वेरी पुअर, कांट आंसर, इंग्लिश ग्रामर। तो देखिए सब्जेक्ट से शुरुआत होगी। मैं आपको ट्रिक ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वीडियोस में पी क्यू आर एस सॉल्व करने की। सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन को खोजना है सबसे पहले। तो ये क्यू से यहाँ शुरुआत होगी क्योंकि सब्जेक्ट बनेगा आई। तो आई एम वेरी पुअर इन, पुअर किस में है? इंग्लिश ग्रामर में है। तो यहाँ पे क्यू के बाद में एस, तो ये वाला आंसर हमारा बन जाएगा डी वाला। क्या बनेगा देखिए, आई एम वेरी पुअर इन इंग्लिश ग्रामर एंड कांट आंसर, इसलिए जवाब नहीं दे सकता ऑल द क्वेश्चन, सारे प्रश्नों का विद ऑनेस्टी ईमानदारी से। तो क्यू एस आर पी, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्पॉट द मिस स्पेल्ड, गलत स्पेलिंग हमें चारों में से बतानी है। तो लेबोरेटरी की बिल्कुल सही है, प्रयोगशाला को बोलते हैं। लैकलस्टर बिल्कुल ठीक है, लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया है ये भी बिल्कुल। लेबोरियस का स्पेलिंग गलत है क्योंकि लेबोरियस का करेक्ट स्पेलिंग होता है एल ए बी ओ आर आई, लेबोरियस तो एल ए बी ओ आर आई ओ यू एस, ये स्पेलिंग होता है लेबोरियस का, तो ये यू अननेसेसरी था, तो ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पॉट द एरर, एरर को हमें पता लगाना है। अब ये सेंटेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ है, हमें देखना है कि ए बी सी में से कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। अगर किसी पार्ट में कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है तो नो एरर हमारा आंसर बन जाएगा। आपको दिया हुआ है इफ़ ही विल गो ही विल डू हिज ड्यूटी विद ऑनेस्टी, कि अगर वह जाएगा तो वह अपना कार्य ईमानदारी से करेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये कंडीशनल सेंटेंसेस, हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर में, तो कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर हमारा एक टाइप है कंडीशनल सेंटेंस का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन कंडीशनल बोलते हैं। तो ओपन कंडीशनल में क्या होता है स्ट्रक्चर, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, और जो आगे फॉलो करता है वो होता है फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पे आप देखिए फ्यूचर सिंपल लगा हुआ है आगे, तो यहाँ पे दोबारा फ्यूचर सिंपल नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंट सिंपल होगा। तो इफ ही गोज ये लिखना पड़ेगा, विल गो नहीं होगा, तो कौन से पार्ट में एरर हो गया, ए पार्ट में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, चेंज द नरेशन, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आप जानते हैं, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच। आपको दिया है शेखर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ये आपको डायरेक्ट स्पीच में दिया है, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं प्रश्नवाचक हो तो सेड टू किस में जाता है, आस्क्ड में, आस्क्ड मी, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटके जब डब्ल्यू एच से शुरू होता है तो हम लोग इफ कंजंक्शन नहीं लगाते, दैट नहीं लगाते हैं, वैन नहीं लगाते हैं, तो वेयर से शुरू होगा वेयर, और यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट में वेयर आई वॉज गोइंग, तो ये हमारा डी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ही अबेंडेंड हिज स्टडी, कि उसने अपने अध्ययन को छोड़ दिया। अबेंडेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो जब आप इसको वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये बनेगा। देख लीजिए ये हीज स्टडी वॉज अबेंडेंड बाई हिम, कि उसकी पढ़ाई उसके द्वारा छोड़ दी गई, ये आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द ज्वेल इन द क्राउन, इसका मीनिंग क्या है? तो ये एक ईडियम है, मुहावरा है, इसका अर्थ होता है समूह में सबसे महंगी उपयोगी और कारगर चीज़। तो आप बोल सकते हैं कि द मोस्ट अट्रैक्टिव और वैल्यूएबल पार्ट ऑफ समथिंग। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जैसे भारतीय टीम है, भारतीय इंडियन टीम है, क्रिकेट की बात करते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम का ज्वेल इन द क्राउन कौन है, विराट कोहली, सबसे महत्वपूर्ण आज के दिन वही है, कैप्टन है। सिनोनिम ऑफ जेडेड, जेडेड का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा से भरा हुआ, तो इसका सिनोनिम एक्साइटेड बन जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एंटोनिम ऑफ मेलोडियस, तो मेलोडियस आप जानते हैं मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो मेलोडियस का मतलब होता है मधुर, ठीक है, ये वॉइस के सेंस में आता है। कई बार बोलते हैं ना आपकी आवाज़ बहुत मेलोडियस है, जो गाना गाते हैं सिंगर उनके लिए, तो अपोजिट क्या होगा इसका, बेसुरा, और बेसुरा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकॉर्डेंट, तो बी बिल्कुल ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, चूज वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मर्डर ऑफ स्मॉल चाइल्ड, किसी छोटे बच्चे की हत्या कर देना। तो रिजिसाइड तो होता है राजा की हत्या, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं मर्डर ऑफ किंग। पेरिसाइड हम लोग बोलते हैं मर्डर ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की हत्या करने के लिए। फिटिसाइड होता है भ्रूण हत्या, कि जब बच्चा जन्म ही न ले उससे पहले ही आप मार दो गर्भ में ही। और इन्फेंटिसाइड होता है मर्डर ऑफ स्मॉल चाइल्ड, छोटे बच्चे की हत्या करना। तो यहाँ पे बी हमारा आंसर बनेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा जितने वर्ड मैंने बताए इनको भी याद करिए, एग्जाम में इन पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरीड, कब्रिस्तान जहाँ पे मृत लोगों को गाड़ा जाता है, तो उसको हम लोग सिमेट्री बोलते हैं दोस्तों। तो सी बिल्कुल ठीक है। 15 है, द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, एक ऐसा स्थान जहाँ पे एक जंगली जानवर विश्राम करता है, गुफा हम लोग बोल सकते हैं, तो उसके लिए आंसर बनेगा लायर, LAIR। क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया है, मैनी डैश आर मेड फॉर द डिस्प्लेस। डिस्प्लेस का मतलब होता है जिनका घर बार नहीं हो, जो घर या ग्रह नहीं हो, जिनका घर नहीं हो। तो ड्वेलिंग्स होता है निवास स्थान, ठीक है, रेजिडेंस को हम लोग ड्वेलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे ड्वेलिंग्स हो जाएगा कि मैनी ड्वेलिंग्स आर मेड फॉर द डिस्प्लेस्ड, कि जिनके पास घर नहीं है उनके लिए बहुत सारे घर बनाए गए। डैश द USA इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो रिचेस्ट आप जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री, उससे पहले आर्टिकल द लगता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पहले भी द लगता है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा द USA इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेक श्योर द फर्म इज कॉम्पिटेंट डैश कैरी आउट द वर्क। अब ये फिक्स प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है उस चीज़ के लिए सुटेबल, उसके लिए सुटेबल। कॉम्पिटेंट के साथ क्या लगता है, टू लगता है, तो आंसर बन जाएगा मेक श्योर द फर्म इज कॉम्पिटेंट टू कैरी आउट द वर्क। क्वेश्चन नंबर 19 है, द पेन इज डैश देन योर्स, देन जो है ये हमेशा कंपैरिजन के लिए लगाया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे बन जाएगा द पेन इज कॉस्टलियर देन योर्स, ठीक है। चलिए लास्ट है रोम, वो अब ये एक फ्रेज है, मुहावरा है कि रोम एक दिन में नहीं बनाता, तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। इंग्लिश के पेपर की अगर बात करते हैं एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए, तो 20 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।